राम सेतु रामर पालम तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूने के पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाण से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को जमीनी मार्ग से आपस में जोड़ता था। हिंदू पुराणों की मान्यता के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा भगवान श्री राम की सेना के दो सैनिकों जो कि वानर थे जिनका नाम नल और नील है उनके द्वारा बनवाया गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको रामेश्वरम राम सेतु की कुछ दिलचस्प बातें बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। राम सेतु की लंबाई करीब 48 किलोमीटर है। यह ढांचा मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है। इतिहासकार और पुरातत्वविदों के मुताबिक इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोरल और सिलिका पत्थर जब गर्म हो जाता है तो उसमें हवा कैद हो जाती है जिससे वो हल्का हो जाता है और तैरने लगता है। ऐसे पत्थर को चुनकर ही भगवान राम की वानर सेना ने इस पुल को बनाकर तैयार किया था। इस पुल को बनाने में 5 दिन का समय लगा था और 48 किलोमीटर लंबा ये पुल बनकर तैयार हो गया। अमेरिका के साइंस चैनल ने कुछ तथ्यों के साथ ये दावा किया है कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा राम सेतु प्राकृतिक नहीं है बल्कि मानव निर्मित है, यानी इसे किसी इंसान ने बनाया था। अमेरिका के वैज्ञानिकों को इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि राम सेतु के पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं। नासा से लिए गए फोटोग्राफ्स भी कई बार पूरी दुनिया के सामने रखे गए हैं जिसमें साफ यह दिखाई देता है कि रामेश्वरम श्रीलंका से किस तरह से एक पत्थर से बने रास्ते से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक राम सेतु पर पैदल चलकर या पारंपरिक वाहनों के जरिए रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक लोग जाया करते थे, लेकिन यह रामेश्वरम का राम सेतु कई बार विवादों का विषय भी बन चुका है। यूपीए सरकार के वक्त यानी कांग्रेस सरकार के वक्त साल 2005 में एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था जिसका नाम था सेतु समुद्रम नहर परियोजना। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2500 करोड़ थी जिसको बाद में बढ़ाकर 4000 करोड़ तक कर दिया गया था। इसके तहत बड़े बड़े जहाजों के आने जाने के लिए करीब 83 किलोमीटर लंबे 2 चैनल बनाए जाने थे। इस परियोजना से सरकार को 2 बड़े फायदे थे। पहला फायदा, जहाजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में लगने वाले समय में 30 घंटे तक की कमी आ जाती। दूसरा बड़ा फायदा, जहाजों में लगने वाला ईंधन भी कम खर्च होता। इस चैनल से एक राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है से गुजरना था। अभी श्रीलंका और भारत के बीच इस रास्ते पर समुद्र की गहराई कम होने की वजह से जहाजों को पूरे श्रीलंका की परिक्रमा करने के बाद ही अरब सागर तक आना पड़ता है। इस परियोजना के तहत जहाज को श्रीलंका और भारत के बीच से निकलने का रास्ता बनाया जाना था। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने यह ठाना कि वो इस रास्ते को बनाएंगे, परंतु उस दौरान बीजेपी की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई समुद्र सेतु नहर परियोजना के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और धर्म और आस्था के विषय को देखते हुए उस परियोजना पर रोक लगा दी। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई तो करोड़ों भारतीयों की भावनाओं की कद्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा कि राम सेतु से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी बल्कि वैकल्पिक रास्ते की तलाश की जाएगी। इतिहासकारों की माने तो साल 1480 में आए एक तूफान में यह पुल टूट गया था। एक बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान आया जिसकी वजह से राम सेतु का काफी हिस्सा टूट गया था और जल स्तर समुद्र में उस वक्त इतना बढ़ गया था कि राम सेतु कहीं ना कहीं जल में डूब चुका था और उसका बहुत बड़ा हिस्सा टूट भी गया था, जिसके उपरांत सीधे तौर पर राम सेतु को देख पाना बहुत मुश्किलों भरा हो गया। लेकिन नासा ने जो तस्वीरें जारी की, सैटेलाइट से जो तस्वीरें आई, उसमें राम सेतु को साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं एक पार्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि राम सेतु के होने के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और उसका हिंदू आस्था से भी कोई संबंध नहीं है, लेकिन साइंस चैनल ने भी इसकी पुष्टि कर दी
कि भारत और श्रीलंका के बीच एक पत्थरों से बना राम सेतु आज भी मौजूद है, जिसके बाद से सेतु समंदरम नहर परियोजना पर आज तक रोक लगी हुई है। आज भी जहाजों को श्रीलंका की पूरी परिक्रमा करने के बाद ही आगे निकलना होता है। कैसी लगी ये हमारी छोटी सी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।